खबरें जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। ग्यारसपुर जनपद ग्यारसपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ग्यारसपुर का ऐतिहासिक एवं प्राचीन मानसरोवर झील, जहां चारों तरफ मंदिर लगे हुए हैं एवं गुफाएं हैं। मानसरोवर झील गंदगी से पटी हुई है, गंदगी का लगा हुआ है अंबार। पर्यटक दार्शनिक स्थल ऐतिहासिक मानसरोवर झील को निहारने के लिए बहुत दूर दूर से पहुंचते हैं, मगर इसकी गंदगी देखकर पर्यटक लौट जाते हैं। ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत एवं जनपद पर आरोप लगाए गए हैं कि मानसरोवर झील ग्राम पंचायत एवं जनपद की उदासीनता का शिकार हो रही है, जिसका खामियाजा पर्यटकों को भुगतना पड़ रहा है और अपनी ऐतिहासिक प्राचीन मानसरोवर झील गंदगी से सनी हुई है। ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्री लीलाधर कुशवाहा जी का कहना है कि ग्राम पंचायत ग्यारसपुर श्रमदानिया के सहयोग से सफाई अभियान प्रारंभ है, मगर कचरा अधिक होने की वजह से सफाई झील में दिखाई नहीं दे रही है। आपने ये देखा है कि हमारा मानसरोवर तालाब कहीं ना कहीं गंदगी से सना रहता है, तो यहाँ पर लोग जो आते हैं सैलानी देखने के लिए, तो उनको कैसा महसूस होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो आते हैं बाहर से देखने के लाने, अपनी धरोहर नगरी ग्यारसपुर है जो, इसमें बहुत से लोग आते हैं बाहर से, तो उन्हें अच्छा महसूस नहीं लगता कि गंदगी है। यहाँ के सरपंच लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा इन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। और वो गांव वालों में अच्छा नहीं लगता है, तो इन लोगों को लाने कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसमें गहराईकरण भी होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई ध्यान नहीं है इन लोगों का। तो बाहर के लोग भी कम आते हैं, फिर कहेगा एक बार आते हैं दोबारा वो आने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि गंदगी इतनी है इसमें कि जो लोग चाह रही जाकर गंदगी मिट जाए। साफ सफाई कोई, तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की इसमें लापरवाही बढ़ती जा रही है सफाई के मामले में। हाँ, ग्राम पंचायत की लापरवाही बढ़ती जा रही है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इन पर, तो इन्हें देना चाहिए, क्योंकि इसी से ही पूरे गांव के लाने पानी मिलता है और इसका ही सब कुछ पानी से ही सब कुछ होता है। इसमें पानी रहता है तो पूरे गांव में वाटर लेवल अच्छा रहता है पानी। अपनी जो ऐतिहासिक प्राकृतिक झील है मानसरोवर झील, उसमें ग्राम पंचायत उसकी सफाई के संबंध में क्या कार्य कर रही है वर्तमान में? हमारे ग्यारसपुर का मानसरोवर तालाब एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और उस आस्था का केंद्र है। सभी ग्रामीणवासी क्षेत्रवासी यहां पर एवं सैलानी मानसरोवर को देखने आते हैं, और सभी ग्रामवासियों को क्षेत्रवासियों की आशा थी कि हमारे मानसरोवर तालाब भराए, और उनकी सभी की आशा आज पूरी हुई है और हमारा मानसरोवर तालाब लबालब भरा चुका है। ग्राम पंचायत ग्यारसपुर द्वारा मानसरोवर तालाब के लिए समय समय पर विशेष त्यौहारों पर एक सफाई अभियान चलाया जाता है। जिस तरह के भी भुजनीय विसर्जन समारोह चल रहा था, तो उसमें भी ग्राम पंचायत द्वारा सफाई अभियान किया गया था घाटों का, और अभी हाल ही में कल विमानों का भी वहाँ पर भ्रमण होता है एवं ग्रामवासी पहुँचते हैं, तो उसमें भी हमने ग्राम पंचायत द्वारा भी सफाई किया था और ग्रामवासियों द्वारा श्रमदान भी किया गया था, और श्रमदान द्वारा जो कचरा निकाला गया था श्रमदानियों ने ग्रामवासियों ने, उसके लिए हमने कम से कम 15 से 20 ट्राली बाहर कचरे को अलग किया है, और आगे भी हमारी एवं पंचायत की ग्रामवासियों की सभी के सहयोग से हम तालाब को स्वच्छ एवं सुंदर रखने की कोशिश करेंगे, और जितना भी सहयोग हुआ पंचायत द्वारा हम इसके लिए करेंगे। मानसरोवर तालाब पूरा लबालब हो चुका है, पर ये गंदगी सफाई हो है इसकी कम होने का नाम नहीं ले रही, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सफाई करवाना है, सफाई हो ही नहीं रही, ना सरपंच सुन रहा है, ना जनपद वाले सुन रहा है, ना गांव बसते कोई नहीं सुन रहा है। तला तो पूरा भरा है, पुराना स्थान है, प्राचीन है, मतलब वो तो मानसरोवर, पर इसकी सफाई नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की अनदेखी की जा रही है जनपद की इसमें सफाई के मामले? हाँ, दोनों का हाथ है, इसकी सफाई नहीं करवा रहे, सफाई होना चाहिए इसकी। बस खबर समय जगत के लिए ग्यारसपुर से कैमरामैन सीताराम कुशवाहा के साथ प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट।